हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चोरी व नगबजनी के आरोप में दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। डेढ़ दर्जन वारदातों का हुआ खुलासा। बाड़मेर थाना श्री पुलिस ने चोरी व नगबजनी के मामले में दो शातिर चोरों को तिलक नगर निवासी मोहन नाथ उर्फ बाबूनाथ पुत्र वीरम नाथ उम्र 20 एवं बालेसर निवासी रामनाथ पुत्र सगत नाथ उम्र 20 को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में थाना शिव गिराब बाड़मेर ग्रामीण नागाना एवं बायतू थाना क्षेत्रों के 18 वारदातों का खुलासा हुआ है। माल बरामदगी व अन्य साथियों के बारे में थाना पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है। बाड़मेर एसपी दीपक भार्गव ने बताया कि पीआरपीएल कंपनी के इंजीनियर जितेंद्र कुमार माली ने थाना शिव पर 16 जनवरी को एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि उनके कंपनी द्वारा मुंगेरिया मंडालिया मतूजा मणिहारी बीसुकला गांव में टंकियों का निर्माण किया गया है। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच अज्ञात चोर उन टंकियों की पाइपलाइन में लगे वॉल्व तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह व सीओ आनंद सिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में थाना अधिकारी शिव हंसा राम के नेतृत्व में थाना स्तर व डीएसटी की विशेष टीम गठित की गई। थाना क्षेत्र में गठित हुई चोरी व नगबजनी की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम द्वारा गहन अनुसंधान व मुखबिर तंत्र की सूचना पर संदिग्ध मोहन नाथ को उत्तरलाई बाड़मेर में व रामनाथ को सरहद बालासरा से दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात हेमनाथ व अजयनाथ निवासी वीरम नगर थाना बाड़मेर ग्रामीण के साथ मिलकर करना स्वीकार किया। इस पर दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पुलिसी मोहन नाथ उर्फ बाबूनाथ व रामनाथ दोनों सक्रिय अपराधी हेमनाथ के गैंग के सदस्य हैं, जिन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में थाना शिव के अलावा गिराब बाड़मेर ग्रामीण नागाना बायतू के क्षेत्रों के 18 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। जिन्होंने पूछताछ में बताया कि पिकअप व कैंपर गाड़ी से दिन में रेकी कर सुनसान सरकारी स्कूलों अटल सेवा केंद्रों व खड़े वाहनों को चिन्हित कर रात के समय मिलकर कंप्यूटर बैटरियों और ऊर्जा के प्लेटों ऑयल पानी की टंकियों से वॉल्व व अन्य सामान चोरी कर लेते हैं। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।